but you made click. नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, सलाम अलैकुम। कैसे हो मेरे सारे दोस्त, कैसे हो मेरे बच्चों? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है एनी टाइम विज्ञान। आज मैं जिस सफर पे आपको ले जाने वाला हूँ उसका नाम है अमेजोन की दुनिया। अमेजोन में आप जंगल में मैं आपको ले जाने वाला हूँ। अमेजोन का नाम तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, अमेजोन का नाम आपने किताबों में सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा अमेजोन के बारे में। तो आज हम जिस सफर पे जाने वाले हैं उसका नाम है अमेजोन की दुनिया। हमारा अमेजोन जंगल, अमेजोन जंगल कहां पे आया हुआ है, किस देश में आया हुआ है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्योंकि अमेजोन जंगल पृथ्वी पे कहां स्थित है उसके बारे में मैं आपको नॉलेज देता हूं। थोड़ी आप पहचान लो कि अमेजोन जंगल पे हमको जाना होता तो किस तरीके से जा सकते हैं, कहां से जा सकते हैं, इंडिया से कितना दूर है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखते हैं चलो कि इंडिया से कितना दूर है और किस दिशा में आया हुआ है अमेजोन जंगल। ये आप देख सकते हैं इंडिया से लेकर हमारे दक्षिण अफ्रीका के बाद जो आता है ब्राजील, ब्राजील में स्थित है अमेजोन जंगल। अमेजोन जंगल है वो ब्राजील में कई सारा एरिया है वो फैलाया हुआ है, क्योंकि ब्राजील में 60% है वो एरिया अमेजोन का ब्राजील में ही स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि अमेजोन जंगल है वो 9 देशों में फैला हुआ है, 9 देशों में जो एरिया है उसका फैला हुआ है। अमेजोन जंगल अगर देश होता तो दुनिया का सबसे बड़ा 9वां देश अमेजोन जंगल बन जाता। अमेजोन जंगल के बारे में कुछ रोचक बातें मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अमेजोन जंगल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो के 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में वो फैला हुआ है। यानी कि हमारा भारत देश है, इंडिया देश है, उसका कुल क्षेत्रफल है उससे भी बड़ा ये जंगल है। इस जंगल में कई सारे पेड़ और पौधे है। अमेजोन जंगल में जो ऑक्सीजन हमको मिलता है, दुनिया को ऑक्सीजन जो मिलता है, जो पूरी दुनिया का 2% ऑक्सीजन है वो अमेजोन जंगल अकेला ही बनाता है। इसलिए अमेजोन जंगल को इस दुनिया का, इस पृथ्वी का हार्ट कहा जाता है। अमेजोन जंगल के बारे में और बातें की, अमेजोन के जंगल के बारे में और जानकारी ले तो अमेजोन जंगल है वो उसका जो पेड़ है वो इतना विशालकाय और इतना बड़ा है, इतने घने पेड़ है वहां पे कि जो सूर्य होता है उसकी रोशनी है वो जमीन तक पहुंचती नहीं है, इसलिए उसकी जमीन है वो प्रकाश के लिए तरस जाती है। वहां कई सारे नदियां आती है, उसमें से जो अमेजोन नदी है वो दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर पे आती है अमेजोन नदी, उसमें कई सारा पानी होता है। अमेजोन जंगल में कई सारे 30,000 से ज्यादा कीटकों की प्रजाति पाई जाती है। यहाँ 500 से भी ज्यादा मछलियाँ की जाति पाई जाती है। यहाँ पे सिर्फ 1700 जितने तो जो पेड़ होते उसकी प्रजाति यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा अमेजोन जंगल में क्या है, तो कि अमेजोन जंगल में हम
कई सारे डरावने जीव जंतु है, जैसे कि बुलेट एंट। बुलेट एंट दिखने में तो बड़ी छोटी दिखती है, लेकिन उसका जो डंक है वो वाकई दर्दनाक होता है। कई सारे जो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, कई सारे पूरी दुनिया से वहाँ पे कई सारे एडवेंचर आते हैं, वो कहीं ना कहीं इसका शिकार बनते हैं। बुलेट एंट उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो डंक लगाती है, आदमी को डंक लगाती है, तब उसका जो दर्द होता है वो बुलेट जितना डेंजरस होता है, इसलिए इसको बुलेट एंट बोलते हैं। वाकई छोटी जो चींटी होती है वो बुलेट एंट वाकई डेंजर होती है। इसके अलावा क्या है, तो 120 के प्रजाति के वहां मेंढक पाए जाते हैं। मेंढक, यस आपने सही सुना, मेंढक, मेंढक जहरीले मेंढक वहां पाए जाते हैं। 120 प्रजाति के ये जहरीले मेंढक, उसके जो कलर होता है वो वेराइटी वाले होते हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन वो डेंजरस होते हैं। कई सारे मेंढक यहाँ पे पाए जाते हैं, 120 प्रजाति है। ये मेंढक जो वर्षा वन होता है, वर्षा के ऋतु में बाहर निकलते हैं, और इसका डंक होता है, इसका जब हमको काट लेता है तो कई सारे 10 जितने जो ह्यूमन होते हैं, हमारे जैसे मनुष्य होते हैं, उसको मार सकता है। इतना ज्यादा डेंजरस है ये जो फ्रॉग होता है, जो मेंढक होता है। इसके अलावा क्या है, अमेजोन जंगल में, तो अमेजोन जंगल में एक नदी ऐसी है जिसका टेम्परेचर 110 डिग्री तक चला जाता है, और इस वजह से उसका जो पानी है वो घोलने लगता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो प्रजाति है, आदिवासी प्रजाति है, वो क्या करते हैं कि उसके जो कोई भी फैमिली मेंबर होते हैं, उसको जब मृत्यु हो जाती है तो वो क्या करते हैं, इस नदी में उसको डाल देते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि जो ये नदी है वो स्वर्ग का द्वार होती है। इसके अलावा अमेजोन जंगल की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका से लेकर ब्राजील तक फैला हुआ है। इसमें कई सारे जीव जंतु है, इसमें 5,000 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजाति है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें सिर्फ 17,000 जितने तो स्पाइडर की प्रजाति मौजूद है। स्पाइडर जिसको हम गुजराती में करोड़िया बोलते हैं, उस स्पाइडर की प्रजाति यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा डेंजरस एंडाकोंडा, एंडाकोंडा के बारे में आपने बॉलीवुड मूवी में देखा होगा, एंडाकोंडा बड़ा सांप होता है। एंडाकोंडा यहाँ 40 से 50 फीट जितना बड़ा सांप यहाँ पाया जाता है। वो वैसे तो जहरीला नहीं होता, लेकिन ये डेंजरस क्योंकि ये छोटे बड़े एनिमल को वैसे ही निगल जाता है, इसलिए वेरी वेरी डेंजरस ऐसा सांप है। अमेजोन जंगल के अलावा कहीं नहीं पाया जाता। अमेजोन की जो नदी है उसमें एंडाकोंडा सांप पाया जाता है। इसके अलावा खतरनाक और डेंजरस एनिमल जगुआर वहां पाया जाता है। जगुआर वेरी डेंजरस एनिमल वहां पे अमेजोन के जंगलों में पाया जाता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है अमेजोन के जंगलों में, आपको दिखाई देता है, ईगल दिखाई देगा। एक ईगल, बड़ा वाला ईगल अमेजोन जंगल में पाया जाता है। उसका जो सिर्फ पंख होता है वही 4 से 5 फुट लंबा होता है। बाकी बड़ा ईगल होता है, वो 5 से 6 किलोग्राम का वजन अपने जो पंजे होते हैं उसमें उठा सकता है। इसके अलावा अमेजोन जंगल में जो आदि प्रजाति है उसको भी पहचानना वेरी वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ कई सारी जातियाँ अभी भी वहाँ कई सारी जातियाँ है वो रह रही है। अमेजोन के जंगल को पहचानने के लिए, उसकी सफर के लिए कई सारे विदेशी, कई सारे दुनिया के कोने कोने से उसकी पहचान करने के लिए अमेजोन के जंगल में आते हैं, और कई सारी डरावनी यादें लेकर अमेजोन जंगल से बाहर जाते हैं। अमेजोन जंगल की इस सफर में आई होप आपको मजा आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कुछ नया लेके आऊंगा। अगला वीडियो है वो मेरे जो बार साइंस वाले विद्यार्थी है, जो मेरे स्टूडेंट है, मेरे बच्चे, वो मुझे मैसेज आया हुआ था कि सर नीट के बारे में कुछ बताओ, तो नेक्स्ट वीडियो में नीट के बारे में बनाने वाला हूँ। नीट वेरी वेरी बेस्ट तैयारी कैसे करें इसके बारे में बनाने वाला हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरा वीडियो मैंने हिंदी में बनाया है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड होते हैं, जो वर्ड होते हैं वो गुजराती में आ ही जाते हैं, इसलिए अगर आपको एंजॉयमेंट मिल रहा हो और आपको मजा आया हो, वीडियो को पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक मार के आगे बढ़ दीजिए। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।